रिकॉर्डिंग अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब खैरियत से? अच्छा जी, आज का हमारा लेसन है दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, जिसमें ता था, थी थी, ते थे, ये इसकी पहचान थी। अब हम उसके बाद हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने पढ़ा कि रहा था, रही थी, रहे थे, उसकी पहचान ये थी। और उसके साथ जो था हमारा वॉज के साथ वर्ब प्लस ING। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इस टेंस के अंदर होता ये है कि हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है या फिनिश हो चुका होता है एक पास्ट में, कहीं माजी में। ठीक है, उर्दू में जुमले के आखिर में लिया था, ली थी, की थी, और लिए थे, गई थी, गया था, गए थे, चुका था, चुकी थी और चुके थे वगैरह आता है। ठीक है, उसके बाद इन जुमलों में वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होता है। ठीक है, सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी इसमें और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। ठीक है, मनफी जुमला बनाने के लिए क्या होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। सवालिया जुमले बनाने के लिए हैड जुमले के शुरू में आएगा और आखिर में सवालिया निशान। और मनफी सवालिया जुमला बनाने के लिए हैड जुमले के शुरू में, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है और आखिर में सवालिया निशान। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं कि अगर इसका पॉजिटिव सेंटेंस है तो कैसे हम लेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ही हैड, ठीक है, तो ही जो होगा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ही हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फॉर एग्जाम्पल ही हैड रीड प्लस ऑब्जेक्ट द बुक प्लस रेलेवेंट वर्ड जो भी इसका होगा। ठीक है, उसने किताब पढ़ ली थी। ठीक है, ही हैड रीड द बुक। ठीक है, हैड प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखें कि हम किस तरीके से ही हैड रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, तो थर्ड यहाँ पे मैं यहाँ पे आपके थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस रेलिवेंट जो भी वर्ड होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि वो नाश्ता कर चुका था। अब कर चुका था तो यहाँ पे हैड के साथ कौन सी फॉर्म लगी हुई है? थर्ड फॉर्म लगी है ही हैड टेकन। ठीक है, ही टुक नहीं आया, ही हैड टेकन। जब भी हैव या हैड आता है ये आप पहचान रख लें, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसके अंदर भी हैज आएगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट देखेंगे तो हैड की जगह हैज आ जाएगा। ये बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है कि ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ये मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, और अगर इसी को मैं प्रेजेंट कर दूं तो ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, वो सुबह नाश्ता कर चुका है तो प्रेजेंट हो जाएगा, और यहाँ पे वो सुबह नाश्ता कर चुका था तो ये पास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये जो है निशानी याद रखें, ये पॉइंट याद रखें कि जब भी हैव या हैड आएगा तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो सब्जेक्ट हैड के साथ थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फिर इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हैड नॉट। ठीक है, क्या चेंज आया? सिर्फ नॉट, हैड के साथ नॉट ऐड हो रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं हैड शुरू में आ जाता है। ठीक है, जब भी इंटेरोगेटिव होगा, सवालिया होगा, तो फिर क्या होगा? हैड शुरू में आ जाएगा। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैड शुरू में और नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद, फिर थर्ड वर्ब और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या आता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम कैन कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और ये बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस भी आ सकता है। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? मॉर्निंग जो है वो है जी एडवर्ब ऑफ टाइम, वो सुबह नाश्ता कर चुका था, ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, वो कल क्रिकेट नहीं खेल चुके थे या उन्होंने कल क्रिकेट नहीं खेल लिया था, तो दे हैड नॉट प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, उन्होंने कल फुटबॉल नहीं खेली थी। ठीक है, दे हैड नॉट प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, या उन्होंने कल क्रिकेट नहीं खेला था, तो फिर क्या होगा? दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कल बारिश हो चुकी थी या कल बारिश हो गई थी। ठीक है, दोनों ही एक बात है। हैड इट रेन्ड यस्टरडे, क्या कल बारिश हो चुकी थी? तो ये हमने क्या देखा, इसमें हमने एक
जो है इंटरोगेटिव देखा, और फिर यहाँ पे है क्या पिछले हफ्ते मेहमान नहीं आ चुके थे, या क्या पिछले हफ्ते मेहमान नहीं आए थे, तो हैड द गेस्ट नॉट कम लास्ट वीक। ठीक है, अब हम पहला जुमला उठाते हैं और उसी को देखते हैं कि वो सुबह नाश्ता कर चुका था। ठीक है, और इसी को अब हम जो है कन्वर्ट करने जा रहे हैं। पहले हम इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी नेगेटिव में, देन इंटरोगेटिव। ठीक है, अब क्या है कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि वो सुबह नाश्ता कर चुका था। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको कि ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, वो सुबह नाश्ता कर चुका था, तो फिर क्या होगा, ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, तो अब हम कहेंगे कि नेक्स्ट जो है इसका हम इसको, ये तो इसका हो गया जी पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जी इसका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, कि वो सुबह नाश्ता कर चुका था। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसका ही नेगेटिव बनाने लगे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि ही हैड, और हैड के बाद हम नॉट ऐड कर देंगे कि वो सुबह नाश्ता नहीं कर चुका था, तो ही हैड नॉट टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, और फिर इसके बाद जो थर्ड इसका सेंटेंस आएगा, अब हम इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने लगे हैं, तो फिर हम क्या लिखेंगे कि हैड ही टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, और फिर हम इसी को नेगेटिव इंटरोगेटिव में अगर हम करें, तो फिर हम क्या करेंगे कि हैड ही नॉट टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, और एंड विद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब क्योंकि ये दोनों जो हैं हमारे क्या हैं, सवालिया जुमले हैं, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इसको हमने पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, देन हमने इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर हमने इसको इंटरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, और फिर हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जो आपका होमवर्क है वो सुन लें कि वो क्या है। यहाँ पे आपको कुछ जुमले दिए गए हैं, आपने इन तमाम जुमलों के, ये जो 10 जुमले आपको दिए गए हैं, 10 सेंटेंसेस हैं आपके लिए, आपने इसके नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने और इनको सॉल्व करना है। वो अंग्रेजी में एक खत लिख चुका था। ठीक है, ही हैज रिटन अ लेटर इन इंग्लिश। क्या वो गरीबों की मदद कर चुके थे? हैड दे हेल्प्ड पीपल, सॉरी पुअर। ठीक है, क्या वो गरीबों की मदद, हैड दे हेल्प पुअर्स। ठीक है, एक लड़की ने एक तस्वीर बना ली थी, ये मैंने आपको कल बताया था। क्या कल बारिश हो गई थी? पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी। क्या मैंने इस वक्त एक दिलचस्प नॉवल पढ़ लिया था? हमारे ये कल वाले ही सेंटेंसेस हैं, लेकिन हमने क्या किया है कि उनके साथ हमने पढ़ लिया था, कर चुके थे, सैर पर जा चुके थे, और ये सारी चीजें हमने इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, यहाँ तक ये आपका लेसन है। आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं, और मुझे वैसे भी आप कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।